पूर्व सैनिक निदेशालय द्वारा पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। निदेशालय डायरेक्टर एसके वर्मा ने बताया कि 30 पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया चली हुई है, जिसके तहत की पात्र अभ्यर्थियों को बुलाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वर्मा ने बताया कि करीब 60 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निदेशालय एसके वर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग में रिक्त पड़ी 30 पदों को भरने के लिए पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। वर्मा ने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चली हुई है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए हमारे पास पूर्व सैनिकों के 15% रिजर्वेशन के लिए रिक्वेजिशन आई थी, तो उसके लिए हमने पिछले साल इसका इंटरव्यू किया था और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ लोग रिपोर्ट नहीं किए और कुछ लोग कम रह गए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर से जो एलिजिबल लोग हैं उनको बुलाया है। आज उनके जो दस्तावेज है उनको चेक किया जाएगा और फिर इनकी एक पैन बनाया जाएगा, उसके मुताबिक फिर पुलिस में इनको तकरीबन 30 के करीब हमारे पास अभी खाली पद हैं जिनके लिए इनको बुलाया है, तो जैसे ही आज इंटरव्यू के बाद इनको भेज दिया जाएगा। हमने तकरीबन एक पोस्ट के पीछे 3 या 4 आदमी बुलाए हैं, तो टोटल 50-60 के करीब लोग आए हैं अभी और उनका सबका भी डॉक्यूमेंट का चेक हो रहा है। एक बार से फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इनका पैनल बनने के बाद में।